दिल्ली से लेकर जयपुर तक 3 नए औद्योगिक नगर पनप रहे हैं, नीमराना, भिवाड़ी और धारूहेड़ा। बड़ी बड़ी कंपनियों के यहाँ आने के बाद यहाँ पर रिहाइश भी बढ़ने लगी है। ऐसे में वसुधा शर्मा ने जानने की कोशिश की कि क्या ये सही समय है इन इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदने का या नहीं। दिल्ली वाले जहां अब तक अपनी छुट्टियां बिताने जाते थे, उसी नीमराना की पहचान बदल रही है। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 8 के बीच में अरावली पहाड़ियों के दामन में 16वीं सदी का ये कस्बा एक औद्योगिक क्षेत्र बनता जा रहा है। नीमराना को राजस्थान सरकार छोटा जापान भी कहती है। जापान की नामी गिरामी कंपनियां नीमराना के 1100 एकड़ के क्षेत्र में उद्योग लगा रहे हैं, जो खास उनके लिए है। उद्योग जगत के दूसरे बड़े घराने जैसे पार्ले जी, हीरो मोटोकॉर्प, लिबर्टी, हैवल्स, टॉप्स भी नीमराना में हैं। बेहिसाब जमीन, जल्द मंजूरी, सस्ते कुशल मजदूर और बिजली की अच्छी सप्लाई जापान के अलावा दूसरी जगहों में भी निवेश लुभा रही है। इंडस्ट्रियल हब के तौर पर नीमराना का विकास तो पहले से ही हो रहा है, लेकिन अब इसकी रफ्तार और तेज होगी। करीब 2 दर्जन जापानी ऑटो कंपनियां तो यहां पहले से ही हैं, लेकिन अब जल्द ही सरकार एक कोरियाई जोन बनाने वाली है, जहां कोरिया की ऑटो कंपनियों को न्योता दिया जाएगा यहां पर उद्योग लगाने के लिए। अप्रवासी भारतीयों और इन उद्योगों के कर्मचारियों को अच्छे मकान चाहिए, लेकिन इसका बाजार अब भी बहुत सीमित है। राज्य सरकार ने अब नीमराना को शिक्षा का केंद्र बनाने का फैसला करते हुए 38 विश्वविद्यालयों को मंजूरी दे दी है। इससे मांग और बढ़ेगी। बिल्डरों का कहना है कि डिमांड और सप्लाई के बीच का फासला नीमराना को किराए के नजरिए से बेहतरीन बाजार बनाता है। बेस्ट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है, जो चाहते हैं कि रेंटल रिटर्न उनको मिले। आज वो बाय खरीदें और 2 साल में रेंट पे चढ़ जाए और उनको रेगुलर रेंटल रिटर्न मिले। अभी नीमराना में 2 बेडरूम कहीं भी 12,000 से 25,000 रुपये रेंट लेता है, 3 बेडरूम 20,000 से 40,000 और विलाज हैं तो वो 40,000 से 70,000 रुपये तक जाते हैं। तो रेंटल्स बहुत बढ़िया अवेलेबल है और इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो नीमराना इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। फिलहाल नीमराना में रिहायशी मकानों के औसत दाम 2,537 रुपए के आसपास हैं। 2010 से दामों में 49% का इजाफा हुआ है, लेकिन यहां पर प्रॉपर्टी बाजार इतना छोटा है कि बैंक, अस्पताल, मनोरंजन और दुकानें या तो बहुत कम हैं या काफी दूर हैं। नेशनल हाईवे 8 पर ही गुड़गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर भिवाड़ी का औद्योगिक केंद्र है, जो NCR के लिए काफी किफायती मकान मुहैया करा रहा है। 2 से 3 BHK अपार्टमेंट भिवाड़ी अलवर बाईपास रोड पर 20 से 40 लाख रुपए में मिल जाएगा। भिवाड़ी, तापुकाड़ा, कुशखेड़ा, अर्बन कॉम्प्लेक्स या ग्रेटर भिवाड़ी में लगभग 2,500 उद्योग हैं। यहाँ की फैक्ट्रियों के कर्मचारियों को तो रहने के लिए घर चाहिए ही। मानेसर या गुड़गांव में काम करने वाले भी भिवाड़ी के किफायती मकानों की ओर खींचे चले आ रहे हैं। यहाँ के औसत दाम 2,438 रुपए हैं, 2010 से 47% दाम बढ़े हैं। अफोर्डेबल मिक्स सेगमेंट बायर के लिए काफ़ी ऑप्शंस लिमिटेड रहे हैं और कुछ सालों में जैसे कि प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से राइज हुए हैं तो उनके ऑप्शंस बड़े कम रहे हैं और कई लोग जो अपना पहला घर खरीदना चाह रहे थे उन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो ये जो 3 एरिया जो आप बात कर रहे हैं, इनकी वजह से बहुत कुछ अब सप्लाई अफोर्डेबल प्राइस लेवल से 15-20-25 लाख तक यहाँ पे हाउसिंग अनाउंस हुई है और काफ़ी रिप्यूटेबल जाने माने डेवलपर्स ने ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अनाउंस की हैं। हालांकि अच्छे शैक्षिक संस्थानों की यहां कमी है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं, बैंक और सिनेमा हॉल जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं। मौजूदा परिवहन सेवाएं भी ऐसी नहीं कि ग्रेटर भिवाड़ी कॉम्प्लेक्स के बड़े इलाके के लिए पूरी पड़े। रिहायशी इलाकों में अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम की अभी योजना ही बन रही है और भिवाड़ी के जमीन के नीचे के पानी का जरूरत से ज्यादा दोहन किया जा चुका है। हरियाणा का धारूहेड़ा नेशनल हाईवे 8 पर एक और अहम औद्योगिक केंद्र है। गुड़गांव से 40 किलोमीटर दूर इस शहर में दूसरे उद्योगों के अलावा अमूल डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट है। यहाँ बड़े बड़े उद्योग तो आए हैं, लेकिन जहाँ तक यहाँ रहने का सवाल है, यहाँ न तो सीवर है, न कोई अच्छा अस्पताल और न ही शैक्षिक संस्थान।
उसके दो रीज़न रहे, एक तो मानेसर बहुत पास था, नीमराना डेवलप दारोडा डेवलप नहीं हो पाया इंडस्ट्री ने, भिवाड़ी ने और नीमराना ने काफ़ी इंडस्ट्री दारोडा से ले ली क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ कंपेरेटिवली ज़्यादा इंडस्ट्री फ्रेंडली थी, और कुछ डेवलपमेंट टाउन प्लानिंग के एंड पे थोड़ी स्लो रही नीमराना दारोडा की, वो अब काम तेज़ी से बढ़ रहा है तो दारोडा की मार्केट भी बहुत अच्छी है। धारोहेड़ा में फिलहाल औसत दाम 2,710 रुपए है और 2010 से दामों में 30% के करीब बढ़त आई है। नीमराना, भिवाड़ी और धारोहेड़ा नेशनल हाईवे 8 पर ये तीनों औद्योगिक क्षेत्र विकास के अलग अलग चरणों में हैं। इन किफायती मकानों और पास में रोजगार के साधनों की वजह से अपना पहला घर खरीदने वालों के अरमानों को पंख लग रहे हैं। प्राइम प्रॉपर्टीज में भले मंदी आ रही हो लेकिन इन औद्योगिक इलाकों में तेजी आ रही है।